फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे द मैजिक वर्ल्ड। और मैं आप सबको स्वागत करती हूँ हमारा इस वीडियो में। और अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए मेरा यूट्यूब चैनल को द मैजिक वर्ल्ड। एंड वीडियोस अच्छी लगे तो शेयर एंड लाइक ज़रूर करें, ठीक है। तो मैं आपको आज बताने वाली हूँ मूलांक नंबर्स का जो है फ्रेंडली नंबर्स और एनमी नंबर्स क्या है, इसके बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो का शुरुआत करते हैं। तो जिसमें मैं आपको बताने वाली हूँ, सबसे पहला जो है नंबर वन। तो नंबर वन का जो है फ्रेंडली नंबर होता है 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9। तो ये सारे नंबर्स जो हैं इसके फ्रेंडली नंबर हैं। अगर वन नंबर वालों के साथ इन लोग काम करते हैं तो काफ़ी इनका अच्छा होता है। लेकिन इनका एनमी नंबर ये है 6 और 8। 6 और 8 नंबर के साथ इनका कभी भी बनता नहीं है, काम बिगड़ने का संभावना ज़्यादा रहता है। तो दोस्त या मैरिजेस में ये नंबर को वन नंबर वालों को अवॉइड करना चाहिए, 6 एंड 8 को, ओके। उसके बाद आता है मूलांक नंबर टू। तो जैसे कि मूलांक नंबर टू जो होता है ये रूल करता है मून के द्वारा। तो ये लोग काफ़ी शांत स्वभाव के होते हैं। तो इनका जो है फ्रेंडली नंबर्स आते हैं नंबर 1, 3, 4, 7, 8, 9। तो ये सारे नंबर्स जो हैं इनके फ्रेंडली है। और जिनके साथ इनका जो है नहीं बन सकता, जो भी अनबन हो सकती है, जो कि एनमी नंबर बोला जा सकता है, ये है उनका 2, 5 एंड 6। 2 जैसे कि इमोशनल होते हैं तो उन्हीं के साथ, उन्हीं के जो नंबर वाले हैं उनके साथ थोड़ा बनने में उनको प्रॉब्लम होती है। उसी के साथ 5 एंड 6 वालों के साथ भी इनकी नहीं बनती है। तो इनका जो है एनमी नंबर 2, 5 और 6 मूलांक वाले हैं। तो इन लोगों से उनको दूरी बना के रखना है। और नंबर 3, तो मूलांक नंबर 3 जो है इसका फ्रेंडली नंबर जो है जिनके साथ उनकी अच्छी बनेगी वो है 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9। और इन लोगों के साथ इनका अच्छा दोस्ती या काम कुछ भी ये लोग करना चाहें तो इन लोगों के साथ कर सकते हैं, इनका ये अच्छी रहेगी। और इनका एनमी जो रहेगा नंबर खुद 3 रहेगा और खुद 4। जो 3 नंबर वाले हैं खुद ही अपने ही नंबर वालों से इनका अच्छा नहीं बनेगी, इनसे इनको दूरी बना के रखना है। और नंबर 4 वालों के साथ भी इनकी अच्छा नहीं बनती है तो इनसे भी इनको दूरी बना के रखना है। उसके बाद आता है मूलांक नंबर 4। जैसे कि मूलांक नंबर 4 राहु से रूल होता है, तो इनका जो है दिमागी तौर पे काफ़ी जो है ये लोग तेज होते हैं और जिद्दी होते हैं। तो इनका जो स्वभाव है ये इनसे मैच करने वाले जो फ्रेंडली प्लैनेट नंबर है या मूलांक नंबर है वो है 1, 2, 5, 6, 7, 9। इन लोगों से इनका अच्छी दोस्ती हो सकती है। और इनको दूर रहना है इन नंबरों के लोगों के साथ जो है 3, 4, 8। इनका खुद का नंबर से भी इनका नहीं बनता है, जिद्दी के नेचर होने के वजह से ये अपने ही नंबर वालों से भी इनका जो है अच्छा दोस्ती नहीं होता है। तो इनसे इनको दूर रहना चाहिए। उसके बाद आता है नंबर 5, मूलांक नंबर 5। मूलांक नंबर 5 को जो है सब नंबरों में से अच्छा नंबर माना जाता है क्योंकि इनका जो है सबसे अच्छा बनता है। इसको फॉर्चून नंबर भी बोला जाता है। सबसे अच्छा जो है लगाव इनका रहता है। बस इनके साथ एक ही नंबर का जो है फ्रेंडली नेचर नहीं होता है, बाकी सब नंबर से इनका अच्छा दोस्ती बन सकता है। ये हर किसी नंबर के साथ ये अच्छा फिट बैठते हैं। और जो एनमी नंबर है वो है नंबर 2। तो नंबर 2 को छोड़ के इन लोग कोई भी नंबर के साथ अच्छे से रह सकते हैं, इनका कंफर्टेबिलिटी अच्छा रहेगा, ओके। उसके बाद आता है नंबर 6। जैसे कि नंबर 6 है ये लग्जरी है, वेनस के द्वारा रूल होता है, इसका रूलिंग प्लैनेट वेनस है। तो इनका जो है फ्रेंडली मूलांक जो नंबर है रूलिंग प्लैनेट है वो 3 है, 4, 5, 8, 9। इन लोगों के साथ इनका काफ़ी अच्छा बनेगी दोस्ती, इनकी अच्छी रहेगी, रिलेशन इनका अच्छा चलेगा। और इनको दूर रहना है नंबर 1 वालों से, 2 एंड 6 खुद उनके नंबर वालों से, और 7 ये नंबर से उनको दूर रहना है क्योंकि इनसे उनको हानि पहुँच सकती है या जो भी हो काम इनका बिगड़ सकता है, ओके। उसके बाद आता है मूलांक नंबर 7। मूलांक नंबर 7 जैसे कि हम बोलते हैं कि ये काफ़ी जो है स्ट्रगलिंग नंबर है, इस नंबर के लोगों को काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है। तो इनका भी जो है फ्रेंडली नंबर आते हैं 1, 2, 4, 5। तो ये नंबर्स उनके साथ अच्छा दोस्ती रहेगा और इनके साथ नहीं बनेगी, ये खुद 7 नंबर से उनको नहीं बनती है। उसके अलावा 3, 6, 8, 9 इनके साथ भी इनके अच्छे जो है ताल्लुकात नहीं रह सकते, तो इनसे वो दूरी बनाने में समझदारी है। और नंबर 8, तो नंबर 8 जो होता है ये मूलांक नंबर, ये भी काफ़ी जो है अच्छा नंबर माना जाता है या स्ट्रगल नंबर भी बोला जा सकता है।
तो इसमें जो है इनका दोस्ती जिनका अच्छा रहेगा ये नंबर 2, 3, 5, 6, 7 ये नंबर्स के साथ इनका अच्छा तालमेल रहेगा, दोस्ती रहेगी। और इनके साथ जो है अनफ्रेंडली नंबर है 1 है, 4, 7, 8 को दिन के साथ इनका नहीं बनेगी, और 9। तो इस नंबर से उन्हें दूरी बना के रखना है, या इनके साथ कोई भी फाइनेंशियल या पर्सनल या फैमिली रिलेशन से थोड़ा बच के रहना है। और जैसे कि नंबर 9 के साथ काफ़ी अच्छा ही है सबके लिए, ये भी काफ़ी अच्छे नंबर माना जाता है। तो इनका जो फ्रेंडली प्लैनेट है 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 9, बस इनका जो अनफ्रेंडली नंबर है 7 एंड 8 है, जिनसे इनका दूरी बना के रखना चाहिए, जिससे इनका जो है दोस्ती या पार्टनर से कुछ भी इनको नहीं करना चाहिए, इनको दूरी बना के रखना है ताकि इनका जो है प्रॉब्लम्स नहीं आ सके। तो ये मैंने आपको बताया मूलांक्स के बारे में, और उनकी फ्रेंडली और अनफ्रेंडली नंबर्स है जिनसे उनको दूरी बना के रखना है, ठीक है। तो ये आपके लाइफ में काफ़ी काम आएगा, क्योंकि आप कभी भी कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो या कभी किसी से दोस्ती, गहरी दोस्ती आप स्टार्ट करने वाले हो, तो नंबर्स पहले आप कैजुअली भी चेक कर सकते हैं, किसी का भी डेट ऑफ बर्थ तो हर कोई जानता ही है, या पूछ लेते हैं वर्क प्लेस में, तो हम वहाँ से पता कर सकते हैं कि इससे आपको कितनी बनेगी। तो उस हिसाब से आप रिलेशंस आगे बढ़ाना चाहते हैं, बिजनेस आगे बढ़ाना चाहते हैं, या पार्टनरशिप आगे बढ़ाना चाहिए नहीं चाहिए, इसका आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाता है। तो मैंने अभी जो बताया मूलांक्स के बारे में, आप अगर आपको अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और ये मेरा जो चैनल है ये अपने दोस्तों को भी शेयर करें, द मैजिक वर्ल्ड, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मूलांक नंबर्स का जो है फ्रेंडली एंड अनफ्रेंडली नंबर्स के बारे में मैंने बताया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो है बताऊँगी कुछ और भी इंटरेस्टिंग चीज़ें एस्ट्रोलॉजी का, जिससे आप अपने बारे में और अपने दोस्तों के बारे में पूरी जानकारी जान सकते हैं। और आप किस फील्ड में जाने से आप बच रहे हैं, आपका पर्सनैलिटी कैसा है, आपका रूलिंग प्लैनेट क्या है, आपका लकी नंबर क्या है, ये सब के बारे में भी आपको मालूम पड़ेगा, ताकि आप अपना लाइफ डिसीजन सही से ले सकें और अपना टाइम वेस्ट ना करें, ओके। आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में सब्सक्राइब करिए, और लाइक एंड ऑल द बेस्ट।